प्रभु के चरण कमलों की वंदना के साथ हार्दिक अभिनंदन है सभी प्रिय भाई बहनों का स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सच्ची कहानियों में। पद्म पुराण पाताल खंड की अध्याय 58 में वर्णन मिलता है कि मनुष्य जीवन का यथार्थ धन संचय तो प्रभु के नाम का जप करने में और गुणगान करने में एवं कीर्तन करने में ही है। यही मंगल कार्य है और यही जीवन का फल है। सप्त ऋषियों में एक ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी की उत्पत्ति मित्रा वरुण से हुई और फिर निमि के साप से देह त्याग कर वे आग्नेय पुत्र हुए। वैसे वे सृष्टि के प्रथम कल्प में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। सती श्रोमणी भगवती अरुंधति उनकी पत्नी हैं। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें सूर्य वंश का पुरोहित बनने को कहा तब ये उसे अस्वीकार करने लगे। शास्त्रों में पुरोहित का पद ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ नहीं माना गया है। जिसमें धन का लोभ न हो, विषय भोगों की इच्छा न हो, वह भला क्यों ऐसे छोटे काम को स्वीकार करे। परंतु ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इसी वंश में आगे चलकर प्रकट होंगे। तुम उनके गुरु का गौरवशाली पद पाकर कृतार्थ हो जाओगे। इससे वशिष्ठ जी ने यह पद स्वीकार कर लिया। पहले पूरे सूर्यवंश के वशिष्ठ जी ही पुरोहित थे, किंतु निमि से विवाद हो जाने के कारण सूर्यवंश की दूसरी शाखाओं का पुरोहित कर्म इन्होंने छोड़ दिया और ये अयोध्या के समीप आश्रम बनाकर रहने लगे। ये केवल इच्छाकु के वंश का ही पौरोहित्य करते थे। जब कभी अनावृष्टि होती या काल पड़ता तब अपने तपोवल से वृष्टि करके ये प्रजा की रक्षा करते थे। जब भी अयोध्या के राजकुल पर कोई संकट आया वशिष्ठ जी ने अपने तपोवल से उसे दूर कर दिया। भगीरथ जब तपस्या करते हुए गंगा जी को लाने के विषय में निराश हुए तब वशिष्ठ जी ने ही उन्हें प्रोत्साहित किया और मंत्र बताया। महाराज, दिलीप के कोई संतान नहीं होती थी, तब संतान के लिए नंदिनी गौ की सेवा बताकर राजा का मनोरथ वशिष्ठ जी ने ही पूर्ण किया। एक बार जब विश्वामित्र जी राजा थे सेना के साथ वशिष्ठ जी के अतिथि हुए। वशिष्ठ जी ने अपनी कामधेनु गौ के प्रभाव से भली भांति राजा का तथा सेना का अनेक प्रकार की भोजन सामग्री से सत्कार किया। गौ का प्रभाव देखकर विश्वामित्र उसे लेने को उद्यत हो गए, परंतु किसी भी मूल्य पर किसी भी पदार्थ के बदले कोई ऋषि गौ विक्रय नहीं कर सकता। अंत में विश्वामित्र जी बलपूर्वक गाय को छील लेने को उद्यत हो गए, किंतु वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म बल से अपार सेना उत्पन्न करके विश्वामित्र को पराजित कर दिया। पराजित होने पर विश्वामित्र जी का द्वेष और बढ़ गया। वे तपस्या करके शंकर जी से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त कर फिर आए, किंतु महर्षि वशिष्ठ के ब्रह्म दंड के सन्मुख उन्हें पराजित ही होना पड़ा। अब उन्होंने उग्र तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का निश्चय किया। विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्र मार दिए, किंतु ये महर्षि तो क्षमा की मूर्ति थे। विश्वामित्र पर इनका तनिक भी रोष नहीं था। एक दिन रात्रि में छिपकर विश्वामित्र जी जब इन्हें मारने आए तब उन्होंने सुना कि एकांत में वशिष्ठ अपनी पत्नी से कह रहे हैं, इस सुंदर चांदनी रात में तप करके भगवान को संतुष्ट करने का प्रयत्न तो विश्वामित्र जैसे बड़भागी ही करते हैं। शत्रु की एकांत में भी प्रशंसा करने वाले महापुरुष से द्वेष करने के लिए विश्वामित्र जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। वे शस्त्र फेंक कर महर्षि के चरणों पर गिर पड़े। वशिष्ठ जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और ब्रह्म ऋषि स्वीकार किया। भगवान श्री राम को शिष्य रूप में पाकर वशिष्ठ जी ने अपने पुरोहित पद को धन्य माना। योग वशिष्ठ जैसे ज्ञान के मूर्त रूप ग्रंथ का उन्होंने श्री राम को उपदेश किया। वशिष्ठ संहिता के द्वारा उन्होंने कर्म के महत्व एवं आचरण का आदर्श लोक में स्थापित किया। उनके अनेक विस्तृत चरित्र पुराणों तथा अन्य शास्त्रीय ग्रंथों में हैं। उनका जीवन तो श्री राम के प्रेम की मूर्ति ही है। उनका एक ही दृढ़ निश्चय था, राखे राम रजाए रुख हम सब कर हित होए। श्री भरतलाल जानते थे कि यदि गुरुदेव आज्ञा करें तो रघुनाथ जी वंश से अयोध्या लौट चलेंगे, किंतु वे यह भी जानते थे, मुनि पुण्य कहव राम रुख जानी।
श्री राम की क्या इच्छा है यह जानकर महर्षि सदा उसके अनुकूल ही चलेंगे। श्री राम की इच्छा में अपनी इच्छा को उन्होंने एक कर लिया था। आज भी जगत के कल्याण के लिए वशिष्ठ जी देवी अरुंधति के साथ सप्त ऋषियों में स्थित हैं। तत्वज्ञानी ऐसे महान दंपत्ति के श्री चरणों में मेरा और मेरे सभी प्रिय दर्शकों का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। अगली किसी सच्ची कहानी में मैं फिर से उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए किसी प्रकार की त्रुटि के लिए सभी प्रिय दर्शकों और प्रभु से क्षमा चाहता हूँ। और मुझे कमेंट करते रहिए जिससे मुझे पता लगता रहे कि मेरे द्वारा जो परफॉर्मेंस आपको दी जा रही है वह किस प्रकार की है, कैसा इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस प्रकार से इसमें मैं सुधार कर सकता हूँ। क्योंकि जो चैनल है वह आप लोगों से ही चल रहा है, आप लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रभु को समर्पित किया हुआ है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और जुड़े भी रहिए। और मेरा यही एक कर्म बन गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को प्रभु चरणों की ओर आकर्षित करना। आनंद आता है और इसमें चलिए अब हर तरफ से मन को एकाग्र चित्त करके प्रभु के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करते हैं। आंखें बंद करके और सच्चे हृदय से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।